शेख मोहतरम, मैं जानना चाहूँगा कि क्या सहरी करना रोज़े के लिए ज़रूरी है? उससे पहले क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस मिलती है सहरी की फजीलत के ताल्लुक से, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उभारा है सहरी के लिए? जो हदीस अभी हमने आपके सामने पेश की है जी, कि तसहरु फइन्न फिस्सुहूर बरका जी, कि सहरी करो क्योंकि सहरी के अंदर बरकत है जी, तो ये एक तशजीह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि हमें सहरी करनी चाहिए जी जी जी। और मेरा दूसरा सवाल कि क्या सहरी रोज़े के लिए ज़रूरी है? सहरी ये रोज़े के वाजिबात में से नहीं है, ये एक सुन्नत है। बिल्कुल, अगर कोई आदमी सहरी करता है तो वो बरकत उसे हासिल होती है, लेकिन ये रोज़े के लिए शर्त नहीं है। अगर कोई आदमी रोज़े की नीयत थी और वो सो गया, सहरी नहीं कर पाया, फ़र्ज़ रोज़े की नीयत थी सहरी नहीं कर पाया और सुबह उसकी हो गई, अब उसके लिए सहरी का मौका नहीं है, तो अपनी इस रोज़े को वो पूरा करेगा, उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। जज़ाकअल्लाहु खैर शेख। शेख मोहतरम, आपने बताया अभी कि अगर कोई शख्स नींद की वजह से, सोने की वजह से सहरी नहीं कर सका और उसकी आँख फजर के बाद खुली, तो उसे अपना रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए।